हरे कृष्णा राधे राधे सभी ठाकुर भक्तों को मैं प्रणाम। पार्ट टू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो राधा रानी का ये नववारी वाला लुक और ठाकुर जी का ये धोती वाला प्यारा सा लुक आप एक बार देख लीजिए। मैंने सोचा था कि श्रृंगार में महाराष्ट्रियम थीम करूं, तो इस वजह से मैं सबसे पहले राधा रानी को यहाँ पे विग पहना रहा हूँ। विग मैंने चोटी वाली नहीं बनाई, मैंने ये वाला जो बन वाला विग होता है वो वाला बनाया है, जो पीछे साइड में इनके बन बना हुआ है। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में आई डोंट नो, इंग्लिश में तो बन बोलते हैं या और फिर जो भी है बोलते हैं कुछ तो भी। तो इसको मैंने लगा दिया और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी। और ये मैंने खुद अपने हाथों से ये विग बना के तैयार की है। मेरे ख्याल से इसके अंदर मेरे 35 या 40 रुपए के बाल यूज़ हुए होंगे। एक विग मिलती है हमारे यहाँ पे छोटी वाली, और उतने में ही ये इतनी परफेक्टली बन के तैयार हो गई कि क्या ही बोलो, एकदम ऐसे सुंदर लगती है ना ये वाली विग, बहुत ही सही तरीके से बन गई। बहुत लोगों को मैंने कहा था कि भैया आपने विग बनाई मेरे को फ़ोटो भेजो मेरे को सिखाओ, तो वो वाले बंदों ने मेरे को कुछ भेजा नहीं, पर राधा रानी ने खुद अपने आप मेरे हाथों से बनवा लिया। तो अभी मैं इनको जो है वो ये जिनका जो बाजू बंद है वो पहना देता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी मेरा हाथ बीच में आ रहा है, बिकॉज मैं जब श्रृंगार कर रहा था तब क्या मेरे के ऊपर मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, केवल और केवल मेरा ध्यान राधा रानी के ऊपर था। इस टाइप से मैंने इनको जो है ये बाजू बंद भी पहना दिया, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इनके हाथों में। और ये वाला बाजूबंद को वाकी बोलते हैं, वाकी मराठी में इसको वाकिया बोलते हैं। वाकिया दोनों हाथों में होता है, बट वो हाथ में नहीं आएगा, इस वजह से मैंने सिर्फ एक हाथ का बनाया। एक हाथ में भी होता है और दोनों हाथों की भी बनवा के लेते हैं, बट मैंने एक ही का बनाया है। ठीक है, किसी भक्त ने कमेंट किया थी कि आपने जो ज्वेलरी बनाई भैया क्या वो बहुत बड़ी नहीं बन गई, तो आप देख लो भैया झुमके उनके बहुत बड़े बने थे बोल रहे थे, पर आप देखना मैं झुमके पहना रहा हूँ यहाँ पे। इनके कानों में होल नहीं होते हैं, मार्बल में जो विग्रह होते हैं उनके कानों में होल होना थोड़ा सा रिस्की होता है, इस वजह से जो मयूरी मार्बल आर्ट्स वाले भैया है उन्होंने इसके इनके अंदर जो है कानों के अंदर कोई होल नहीं डाले हैं। बहुत ही सुंदर श्री विग्रह उन्होंने हम तक पहुँचाए हैं। मेरा भी कर्तव्य बनता है कि भाई उनका मैं धन्यवाद करूं, और बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, और इतने सुंदर विग्रह उन्होंने हम तक पहुँचाए। तो मैं मयूरी मार्बल आर्ट्स का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपकी भी इच्छा है सेवा की तो आप उनसे पूछ सकते हैं, भैया बहुत ही काइंड है और बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, बात बहुत अच्छे से करते हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए। अगर आपको राधा कृष्ण की सेवा लेनी है तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी, बस इतना ही श्रृंगार कर लूँ ना तो पूरा पूरा एकदम भरा भरा सा लुक आ रहा है। बट मेरे पास और भी है, तो ये है सरी है, इसे सरी बोलते हैं, और इसको इसी टाइप से पहनाया जाता है। इसके अंदर मैंने हुक बनाया है, और जो जैसा नॉर्मल होता है ना सेम उसी टाइप में बनाया है, और मैं बहुत खुश हूँ इस डिज़ाइन से। मुझे दो बनाने पड़े, बिकॉज पहले शुरू में एक बना रहा था वो बहुत बड़ा बन गया एक्चुअली, सो मुझे साइज़ का अंदाज़ा नहीं था, तो उसको जो है मैंने जो है वो लिटरली फेंक ही दिया वो वाला। और ये वाला मैंने मतलब कि उसके ऊपर मैंने जरदोशी नहीं चिपकाई थी, जैसे नॉर्मली हमने जो जिसका बेस है वही बनाना पड़ा था, तो उसको मैंने निकाल के फेंक दिया, फिर बाद में दूसरा ये वाला बनाया। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा सुंदर सा बन रहा है। ये मैं इनको पहना रहा हूँ बेलपान वज्रटिक, वज्रटिक उसे बोलते हैं जो एकदम गले से चिपक के, चोकर जिसे बोला जाता है राजस्थान में, इसे महाराष्ट्र में ऐसे वज्रटिक टाइप के होते हैं, उसमें भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं। ये बेलपान वज्रटिक है क्योंकि इसके अंदर बेल के पत्ते बने हुए होते हैं। अभी मेरे पास सुहने के कलर के तो बेल के पत्ते वाले से वो शेप के नहीं थे, तो मैंने कुंदन के बना लिए, तो ये भी इसके साथ में बहुत अच्छे से मैच हो रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी की भी मैंने कुछ ज्वेलरी कुंदन की बनाई, तो इस वजह से अभी मैं राधा रानी के सर से पल्लू दे दूंगा। और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और पर ये पल्लू थोड़ा सा फूला फूला लग रहा था और स्लिप भी हो रहा था सर के ऊपर से, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक पिन लगा देता हूँ अच्छे से बन में, तो इस टाइप से ही पल्लू देता हूँ। सुंदर लग रही है राधा रानी हमारी बहुत ज़्यादा। ये देखिए
बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। एक्चुअली मैंने इनका ना मांग टीका बनाया नहीं, बिकॉज ज़्यादातर महाराष्ट्र में मांग टीके होते नहीं है, तो इस वजह से। बट मैंने एक वायर में ऐसे जो मोती होते हैं वो पिरो के रखे हुए थे, क्योंकि मुझे ये सुना सुना लुक पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी को जो है मांग टीके की तरह सजाया जाए। तो इस वजह से मैंने मांग टीका बनाया है, बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में बनाया है, वही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि कान तो इतने भरे भरे से है ही, और बहुत सारे लोगों को लग रहा था झुमकियाँ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं एकदम ऐसे परफेक्टली बैठी है झुमके। अभी मैं उनको जो मोहन माल है वो पहना देता हूँ, मोहन थाल नहीं, मोहन माल, और वो मोतियों से 3 लेयर की 5 लेयर की बनाई जाती है, और उसके ऊपर मैं ब्लू टैग लगा के ही चिपकाने वाला हूँ, धागा नहीं लगाया, बिकॉज मुझे पता था धागे धागे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पीछे साइड में। और ये देखिए लुक, तो आप देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और जो कमरबंद मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने जैसे कहा था आपको कि लेस ही लगा दी मैंने गड़बड़ गड़बड़ में, बट मैं नया वाला कमरबंद इनका एक बनाऊँगा जो कि बहुत सुंदर बन के तैयार होगा, उस टाइप में मैं बनाऊँगा। ज्वेलरी की रिक्वेस्ट बहुत सारे लोगों की आ रही है, मैं ट्राई करूँगा कि आप सभी लोगों को इनकी ज्वेलरी जो है वह दिखा पाऊँ। और ये देखिए हमारी राधा रानी का श्रृंगार तो कंप्लीट हो गया, पर कुछ सुना लग रहा है ना, उनका चूड़ा बाकी है अभी, तो इनका हरा चूड़ा मुझे बनाना था, तो मेरे पास बॉल चेन थी, तो मैं उसी का इस्तेमाल करके जो है वो मैं इनका श्रृंगार करूँगा, मतलब जो चूड़ा है वो बनाऊँगा, ठीक है। उससे पहले पहनाएंगे राधा रानी को मराठ मोई नथ, तो नथ मैंने बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी बन के तैयार हुई थी नथ, और एकदम नाजुक ऐसी बनी थी, बहुत ज़्यादा डेलिकेट बनी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये नथ मैंने पहना दी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा है नथ की वजह से, एकदम भरी भरी सी है। सर पे जो पल्लू देते हैं और नाक में नथ होती है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आया था, गले में सरी है, कानों में इतनी अच्छी अच्छी झुमकियाँ है, तो ये लुक जो है ना एकदम प्योर महाराष्ट्रियन लुक आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और एक्चुअली महाराष्ट्र में चंद्रकोर का वो बिंदी होता है माथे पे, और मैंने नहीं लगाया वो वाला, बिकॉज ये जो छोटी सी बिंदी है ना वही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो देख सकते हैं आप लोग। मैंने बनाई थी वैसे बिंदी भी, और मैंने लगाई नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था, राधा रानी ऐसी ही बहुत नाजुक में ही अच्छी लगती है ना, वो बिंदी थोड़ी सी बड़ी बन के तैयार हुई, तो मैंने सोचा नहीं लगाते हैं, ऐसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो अभी जो है मैं इनके जो बालों में गजरा लगा रहा हूँ, तो गजरा तो दिखा नहीं है आपको, पर वो मैंने फूलों का बनाया था, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा ध्यान ही नहीं था कैमरे की तरफ जब मैं श्रृंगार कर रहा था, मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान तो राधा रानी की तरफ ही था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये देखिए गजरा, थोड़ा बहुत फूल सफ़ेद और गोल्डन कलर का मैंने बनाया, उसको इग्नोर ही मारिए आप, तो क्योंकि आपको तो दिखा ही नहीं। ओके, अभी मैं इनका जो है चूड़ा पहना देता हूँ, और ये जो है हाथों में आप देख रहे हैं मैंने एक उनका चूड़ी पहनाया है, तो जो बीड्स होते हैं ना मोती, उसी को मैंने वायर में पिरो लिया फटाफट, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं कंगन बनाऊँ ऐसे अच्छे वाले, तो इस वजह से मैंने जो फटाफट जितना मेरे से फास्ट हो पाया ना उतना मैंने किया है। नववारी साड़ी आप देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मैंने जो वे में पहनाई ना, इतनी मैं, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी अच्छे से मैं पहना पाऊँगा यार, कितनी ज़्यादा सुंदर। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसको सिली है तुमने, इस मैंने सिला नहीं है, बस जो प्लेन कपड़ा होता है ना उसी से मैंने इसको पहनाया है, एकदम मतलब कि प्लेन कपड़े से मैंने इसको पहनाया है, सिला तो इसके अंदर एक टाका नहीं है, एक भी टाका, तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है ये। और मैं अभी इनके हाथों में जो कंगन है वो पहना रहा हूँ, जो बॉल चेन जो है उसको मैं लपेट के इनके हाथों में पहना दूंगा बहुत ही सिंपल वे में। तो ये देखिए मैंने इनको इनके हाथों में बॉल चेन को लपेट दिया, और गोंद जो होता है श्रृंगार वाला ब्लू टैग उससे मैंने इनको चिपका दिया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। दूसरे हाथों में भी मैं सेम ही करूँगा, वो तो मैंने स्किप कर दिया, और दोस्तों मेरा कैमरा पकड़ने वाला ना दूसरा और कोई नहीं है घर में, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, बेचारा एक मतलब ट्राइपॉड, मैं अकेला क्या करूँगा
वीडियो देखूंगा या श्रृंगार करूंगा। मुझे वीडियो बनाने से ज़्यादा ना श्रृंगार करना ज़्यादा अच्छा लगता है, पर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं भैया श्रृंगार दिखाइए 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 बोल के मैं जो हूँ वो आप सभी के साथ में ये वीडियो जो है शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। तो ठाकुर जी का श्रृंगार हमने राधा रानी के श्रृंगार के बाद मैंने जो बोला था वो मांगते का भी मैंने पहना दिया है। बहुत बहुत खूबसूरत गजरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा लग रहा है। पैरों में मैंने पायल पहले से पहनाई थी तो पायल भी मैं आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारी राधा रानी तैयार हुई है और अब हमारे ठाकुर जी तैयार होने बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ठाकुर जी को भी तैयार करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा राधे राधे।